हेलो गाइस, हैप्पी न्यू ईयर एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे और हमारे घर परिवार की तरफ से नए वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके पूरे परिवार को। आज तुम्हारा भाई जा रहा है एक कोचिंग सेंटर, वहां पर जो है हमें गेस्ट के रूप में बुलाया गया है, तो वहां जाएंगे, वहां की वीडियो हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, देखना पूरी वीडियो देख। कुलदीप सर आओ, सबसे पहले अपनी कुछ फैमिली से मिलाते हैं। और ये हमारी भाभी जी है, बड़ी भाभी जी और ये छोटी भाभी जी। हम वैसे भी पहले भाभी से, दोनों भाभी से हम पहले मिल चुके हैं, लेकिन फिर से मिल लेते हैं। भाभी हैप्पी न्यू ईयर आप सब। और हमारी दीदी जी हैं दोनों। अच्छा, हैप्पी न्यू ईयर। तो हम जो है मिल चुके हैं भाभी लोगन से और दीदी से भी मिल चुके हैं। तो क्या सर, चलिए अंदर। जी चलिए, दिखाएंगे आप। जी जी, चलिए आ जाओ। बहुत अच्छी तैयारी की, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि तो आई लाइक नहीं है। तो ये देखो भाई, हमारे सभी स्टूडेंट यहाँ पर हैं। एंड आकाश सर से मिलकर आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और आप आकाश सर कुछ आज अपनी लाइफ के बारे में बताएंगे, ठीक है, और समझना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोग हमें नहीं जानते? नहीं जानते। मैंने पूछा है कि आप में से कितने लोग नहीं जानते, आप भी नहीं जानते। अच्छा, आप भी नहीं जानते। जी सर, सारे लोग जानते हैं। ठीक है, हाथ नीचे करो। थोड़ी देर बाद देना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। सभी लोग हमारा वेट किए और हम थोड़ा सा लेट भी हो गए, इसके लिए आई एम सॉरी। तो जो लोग हमें नहीं जानते हैं, मैं उनको बता दूं, हमारा नाम आकाश कुमार है, मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। इंटरनेशनल प्लेयर आप समझते हैं, देश विदेश खेलने जाना। ठीक, अभी तो हम देश विदेश खेलने गए नहीं है, सिर्फ विदेश गए हैं और घूम के चले। और बॉलीवुड एक्टर हूँ। बॉलीवुड आप लोग जानते हैं, बॉलीवुड का मतलब होता है जो घर पे टीवी चलती है उस पे मूवी आती है, सीरियल आता है, ठीक, वो होती है बॉलीवुड। तो हम सीरियल में काम कर चुके हैं, राधा कृष्णा चंद्रूर। राधा कृष्णा किसको पसंद है, आपको पसंद है? श्री कृष्णा, मम्मी श्री कृष्णा पसंद है आपका? राधा कृष्णा, ठीक है, उसमें हमने काम किया है। चंद्रगुप्त मौर्य किसको पसंद है? सबको पसंद है, ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य, उसमें मैंने काम किया है। क्राइम पेट्रोल कितने लोग देखते हैं? उसमें मैंने ऑडिशन दिया है, काम नहीं किया है, यानी कि हम मार्शल आर्ट प्लेयर, बॉलीवुड एक्टर और इस टाइम क्या है आप सभी को पता होगा, यूट्यूबर। यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं। वीडियो आपको पता है कैसी जाती हैं? देश विदेश की वीडियो जाती हैं, फाइटिंग कराटे से रिलेटेड वीडियो जाती हैं। और जैसे कुलदीप सर की न्यू एकेडमी ओपन हुई है, एकेडमी का सर नाम बताइए। ग्रोकुल एकेडमी। ग्रोकुल एकेडमी न्यू खुली हुई है, तो ऐसी वीडियो जाती हैं, एजुकेशन से रिलेटेड जाती हैं, पढ़ाई से रिलेटेड जाती हैं। कंपटीशन के लोग जो कंपटीशन वाले हैं, अभी कुछ बच्चे यहाँ पर कंपटीशन की तैयारी जी, अभी कुछ उपलब्ध भी जिस टाइम हम यहाँ ट्रेनिंग कराते थे उस टाइम हमारी सर की कंपटीशन क्लास नहीं, कंपटीशन चलती थी, कंपटीशन की क्लास नहीं चल रही थी, वहाँ चलते गुसोपुर में चल रही थी। हाँ, गुसोपुर में चल रही थी। उसमें से कुछ हमें नहीं पता था कि वो हमारे साथ के पढ़ने वाले दोस्त, हम सिर्फ वहाँ गए थे ट्रेनिंग कराने। जब हमें पता चला था कि अरे भैया आप तो यहाँ हो, तब हमें पता चला था कि यहाँ पर जो है कंपटीशन की अच्छी कोचिंग चलती है। मतलब हम जो है टीचर के रूप में गए थे, वहाँ हमें नहीं पता था कि वो हमारे दोस्त हैं। जब हम वहाँ गए, सामने उनको देखा कि यार आप लोग ट्रेनिंग, आप लोगों को हम ट्रेनिंग कराएंगे, तो हमें एक प्राउड फील हुआ कि चलो ठीक है, हम जो है अपने साथ के लड़कों को खुद गाइडेंस कर सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं और उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। आपकी तरह हम भी बहुत मेहनत करते थे, रात में 3 बजे पढ़ाई करते थे,
सुबह 5 बजे से पहले उठ के पढ़ाई करते थे, फिर उसके बाद आजाद के, आजाद वो भाई है, आजाद के साथ कोचिंग जाते थे, और फिर उसके बाद थोड़ा सा क्रिकेट वगैरह खेलते थे, ज्यादा टाइम इधर उधर घूमते नहीं थे, फालतू काम नहीं करते थे, आपकी तरह थे अच्छे, बहुत अच्छे। तो सर 2023 आ चुका है सर, तो आप इनके लिए बदलाव किया जाए तो क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 2023 में आप, 2023 में आप लोगों के लिए बहुत अच्छी सर व्यवस्था करेंगे, जिसमें हम भी आप सबका सपोर्ट करेंगे, अच्छी सी अच्छी फैसिलिटीज देने की कोशिश करेंगे, और जो भी गरीब बच्चे हैं उनको हम सारी चीजें प्रोवाइड कराएंगे अपनी तरफ से। बताए आपको क्या है, क्या है वो कुछ भी हो सकता है आपके लिए, बस आप पढ़ाई में अच्छे होने चाहिए। क्योंकि इसके पहले आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल पर वीडियो देखी होगी, हमने बहुत सारा डोनेशन किया है, बहुत सारे लोगों की हेल्प की है, इसी तरह आप भी हैं, आपको हमारी जरूरत हो तो बताना, आपके पास पेन नहीं है, कॉपी नहीं है, कपड़े नहीं है, शूज नहीं है, और स्कूल की फीस नहीं जमा हो रही है, और राशन पैसे की वजह से राशन नहीं मिल रहा है, कोई बीमार है, किसी को भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें आप कुलदीप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। चलो सर को थैंक यू बोलो सभी लोग। वेलकम, आई लव यू, हमें अच्छा लगा आप सबसे मिलके, बहुत अच्छा लगा, और मम्मा नहीं है पापा नहीं है, मतलब कोई ऐसा है जिसके मम्मा नहीं है पापा नहीं है, मतलब कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बात, अच्छी बात है। हाँ, कोई ऐसा है जिसके मम्मा नहीं है, मम्मी अम्मा नहीं ना पापा है, कोई ऐसा है जिसके पापा है मम्मी नहीं ना, कोई ऐसा है जिसका जो चलने में किसी को प्रॉब्लम हो, दिखने में प्रॉब्लम हो, तुम्हारे घर में या कोई भी ऐसे, इसलिए पूछ रहे हैं कि उनकी मदद करना चाहते हैं। हाँ, इसलिए कोई आसपास हो, समझते नहीं है, कोई आसपास उस तरह का आपको दिखे तो बिल्कुल कांटेक्ट करना। अरे हम आपके तरह थे तो बहुत समझदार थे, तुरंत हाथ ऊपर करते थे, कोई भी क्वेश्चन सर बोलते थे, आता था नहीं भी आता था लेकिन हाथ ऊपर जरूर करते थे, पता है क्यों? क्योंकि सब लोग हमें जानने लगे थे, और आज भी हमें आप लोग जानते हो, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। आप लोग भी जानते हो, देश विदेश के लोग भी जानते हैं, लेकिन अब देश विदेश से भी लोग आएंगे, ठीक, आपकी तरह हम भी थे, बहुत पढ़ाई करते थे, बहुत मेहनत करते थे, हमें कुछ करने की एक जुनून था कि हमें पहले इंडियन आर्मी में जाना अच्छा लगता था, हमें पैरा कमांडो बनना अच्छा लगता था, हमने बहुत मेहनत की थी, बहुत मेहनत की, और फिर धीरे धीरे पढ़ाई करते थे, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली लेकिन पढ़ाई करते थे, मेहनत करते थे, आप सबकी तरह गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली है, फिर उसके आगे जो है हमने बड़ी से बड़ी चीज सोची कि हमें स्टार बनना है, स्टार बनने के लिए मैंने बहुत सारी चीजें की, जित 8 क्लास में हम थे, 8 क्लास में कितने लोग हैं, 8 क्लास में, 8 क्लास में मैंने डिसाइड किया था कि हमें इंडियन आर्मी में जाना है, 8वीं क्लास में मैंने अपने घर में बोला था कि हमें इंडियन आर्मी में जाना है। आप लोग 8वीं क्लास में हैं, आपने कुछ सोचा है क्या बनना है, आपको सोचना है, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता, आपको सारी चीजें आती है, बस टाइम की बात है, आता ये सब है। क्लैपिंग, आप इंजीनियर बनोगे, आपको जो है डेली एक बार सोचना है कि मुझे इंजीनियर बनना है, अब इंजीनियर बनने के लिए आपको सर मिल गए हैं, ये सारी चीजें आपको बताएंगे कि आपको पढ़ाई कैसी करनी है, आपको इंजीनियर बनना है, इंजीनियर पता क्या होता है, इंजीनियर बहुत 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 बड़ा आदमी होता है, बहुत बड़ा है ना, तो आप सबको सोचना है मुझे पढ़ाई करके आगे कुछ, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता है, आपको सारी चीजें आती हैं, धीरे 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 डेली आप कोचिंग आओगे, स्कूल जाओगे, सर आपको बताएंगे, आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा,
रोना नहीं है, डरना नहीं है और फालतू लोगों के साथ रहना नहीं है। अगर वो गलत कर रहे हैं तो आपको मना कर देना है, आपको गलत नहीं करना है, ठीक है। ऐसे हंसते रहना है, डरना नहीं है कभी किसी से भी, कितना भी बड़ा आ जाए। अगर आपके सामने हमारे देश का लीडर आपको पता है कौन होता है, जैसे इस एकेडमी के लीडर, हमारे देश का लीडर प्रधानमंत्री भी आ जाए ना, उससे बोलना है जो भी चीज हो बोल देना है, डरना नहीं है किसी भी चीज, कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। प्रधानमंत्री आगे बोलना है, सर हमारा घर नहीं है, हमारा घर हो जाए और हमारे पास ये नहीं है, क्योंकि उनसे बड़ा हमारे पास तो कोई नहीं है, प्रधानमंत्री से बड़ा, ठीक है। तो कोई भी आ जाए तो अपनी प्रॉब्लम बतानी है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम है वो हमें बता सकता है किसी भी चीज से रिलेटेड। आगे का कार्यक्रम कुलदीप सर, वेलकम सभी लोग, सर का वेलकम करो।